आज हम आपको एक बड़ी खबर के बारे में बताने जा रहे हैं। दिल्ली में बिहार के पूर्व सीएम डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र की मृत्यु हो गई। वे लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे और उनका इलाज दिल्ली में ही चल रहा था। वो 3 मरतबा बिहार के सीएम रह चुके हैं। उनकी मृत्यु के खबर से पूरे बिहार में शोक की लहर है। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र भारतीय राजनेता तथा बिहार के 3 दफा सीएम रह चुके हैं। उन्होंने कॉलेज के प्रोफेसर के तौर पर अपना सफर शुरू किया था एवं बाद में बिहार कॉलेज में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बने थे। बचपन से उनकी दिलचस्पी सियासत में थी क्योंकि उनके भाई ललित नारायण मिश्र सियासत में थे तथा देश के रेल मंत्री भी थे। कॉलेज में पढ़ने के दौरान ही डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित हुए थे तथा बाद में साल 1975 में पहली दफा बिहार के सीएम बने। दूसरी बार उन्हें साल 1980 में कमान सौंपा गया और अंतिम बार 1989 से 1990 तक बिहार के सीएम रहे। वे 90 के दशक के बीच केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी रहे। बिहार में डॉक्टर मिश्र का नाम बड़े राजनेताओं के रूप में जाना जाता है। कांग्रेस छोड़ने के बाद वह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में सम्मिलित हो गए और फिर जनता दल यूनाइटेड में भी सम्मिलित हुए। 30 सितंबर 2013 को रांची में एक विदेश केंद्रीय जांच ब्यूरो ने चारा घोटाला मामले में 44 अन्य व्यक्तियों के साथ उन्हें भी आरोपी ठहराया। उन्हें 4 वर्ष की कारावास तथा 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था, लेकिन बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया था। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।